ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨੀਲੇ ਲਾਲ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਣ ਅਕੜਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਚੰਦਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਚੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। इस कॉन्फ्रेंस असी मेनली वैरिकोज वेन्स बारे दसना चाहते हैं जो जड़िया नसा फुल जांदियां ने जेंट्स दियां लेडीज़ दियां स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी प्रोलोंग स्टैंडिंग तो बाद उन्हां दे बारे असी दसना चाहते हैं अवेयरनेस लोगों फैलाना चाहते हैं कि यह किवें ट्रीट हो सकता है। बहुत आसानी नाल अजकल इहदा ट्रीटमेंट अवेलेबल हैगा है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। असी फोर्टिस हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा केसिस सानू पिछले 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਲਵ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਕੈਮਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰਸ ਗਲੂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੇਮ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ। ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਰਫ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 4-5 ਦਿਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਐਵਰੀ 3rd Wednesday ਆ ਕੇ OPD ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਟ ਫੋਟੋਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ। देखो ऐसा है ना, वेरिकोस वेन्स जो एक बीमारी है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इससे कॉम्प्लिकेशन जो होती है, जैसे क्लॉट बनना, ब्लीडिंग होना, फोड़े होना। तो उस बीमारियों से बचाने के लिए वेन्स का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंटरनेट पे देखेंगे कम से कम 300 तो दवाइयाँ ही अवेलेबल हैं, डिफरेंट हर्ब्स अवेलेबल हैं, हॉर्स चेस्टनट, ओट एक्सट्रैक्ट्स, पता नहीं कड़ियाँ बहुत सारियाँ प्लांट्स मेडिसिन अवेलेबल हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, बट एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसना ये दसाया जाए कि वेरिकोस वेन का इलाज इस तो हो जाता है। अगर मेडिकली भी देखा जाए वेन जी वेरिकोस वेन्स हैं इसलिए होती हैं क्योंकि उसके अंदर वाले वेन के वॉल्व वो खराब हो जाते हैं। वो वॉल्व चमड़ी के उपर मरम लगाने लिए इन सारिया क्रीम आ रही अजकल, वो चमड़ी के उपर क्रीमें लगाने से अंदर के वॉल्व कैसे ठीक होंगे? मतलब कॉमन सेंस भी है और कोई भी डाटा नहीं है हमारे को ये दिखाया जाए कि वो पेशेंट ठीक हो गया। कोई भी मरीज, आज तक हमें एक भी मरीज़ नहीं मिला जो इस बीमारी से, इन दवाइयों से या ऑइंटमेंट लगाने से ठीक हो सकता है। तो इसीलिए हम बिल्कुल भी मेडिकली वी डोंट रिकमेंड कि कोई भी मेडिकल दवाइयों से इलाज इसका हो सकता है। देखिए ये बीमारी मैंने आपको बताया जैसे कि इसलिए होती है बिकॉज मेनली जेनेटिक्स, हेरिडिटरी। तो अगर एक पेरेंट को है तो 30% बच्चों को होने के चांस रहते हैं, दो पेरेंट्स को हैं तो 60% बच्चों को होने के चांस रहते हैं। उन लोगों में भी होती हैं जो बहुत लंबे हैं, 6 फुट से ऊपर होते हैं, या जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जो पेशेंट मोटे हैं, या ओल्ड एज में वेरिकोस वेन्स के होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं वेरिकोस वेन्स होने के। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ लंबा खड़े होने से होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लंबे देर तक खड़े होते हैं दिन में, पर सबको वेरिकोस वेन्स नहीं होती। तो इसलिए जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके बाद अगर आप बहुत लंबे देर तक खड़े रहते हैं या बहुत लंबे देर तक बैठते हैं तो आपको वेरिकोस वेन्स होने के चांसेस रहते हैं। इसका बचाव एसएस तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जीन से कंट्रोल्ड होती है, बट हाँ अगर आप मोटे ना हों, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, चलते फिरते रहें एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखें तो इसके चांसेस होने के कम हो जाते हैं।